इसमें कोई नॉन वेज तो नहीं है? यहाँ पे बना हुआ है यार, ये आसामिस में लिखा है, आसामिस में हमको क्या समझ में आएगा, है बहुत प्यारा। लेकिन बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले, लेकिन आज के समय में ये ऑल इंडिया लिमिटेड की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लायक हैं, तिरंगा टेम्पल है जो हमने दिखाया ये आपको, तो आज हम दुरियाजान देखने वाले हैं और यहाँ का जो लोकल फूड है वो भी देखते हैं क्या है कैसा है। तो भैया, भैया नाम क्या है? अच्छा, तो आज हमको ये टुक टुक से लेके जा रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड में। ये है फ्रूट गार्डन, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान। तो ये फ्रूट जो गार्डन है इसमें केवल आपको जैक फ्रूट यानी कि कटहल देखने को मिलेगा, और कुछ है लेकिन अब अंदर जाने के लिए है नहीं, तो यही पूरा है। देखिए ये पूरा जंगल है जहाँ पे आपको जैक फ्रूट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कटहल है। वैसे भी इस समय चुनावी माहौल चल रहा है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट है इसमें का, यानी कि इस कैंपस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी उठाते हैं ऑयल इंडिया वाले, तो उस हिसाब से इनका रहन सहन भी होता है। और ये है रोज़ गार्डन, इसके जस्ट बगल में ही है। डिफरेंट टाइप्स के रोजेज हैं, वहाँ पे लिखा भी है रोज़ गार्डन। तो ये है इंडस्ट्रियल गेट, वो इंडस्ट्रियल गेट है, और एक गेट ये बाहर निकलने वाला गेट है। और यहाँ वैसे इस गेट में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर जाना है आपको तो एक दिन पहले पास बनवाना पड़ता है, तो इसलिए ये यहाँ पे बना हुआ है। यार ये आसामिस में लिखा है, आसामिस में हमको क्या समझ में आएगा, है बहुत प्यारा लेकिन पता नहीं क्या लिखा हुआ है आसामिस में। और ये है ऑयल इंडिया का गेट। तो ये कैंपस बहुत बड़ा है, और चलते चलते भूख बहुत तेज लग गई है। और यहाँ का एक बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट कह सकते हैं, होटल कह सकते हैं है, तो वहाँ का फूड बताएंगे, क्योंकि एक मेरा दोस्त है यहीं डिब्रूगढ़ का, तो उसने बताया था कि अगर आप दुलियाजान जाना तो उस होटल का फूड आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये है, और ये पूरा कैंपस है। चल के खाते हैं फिर बताते हैं कि फूड है वो कैसा है। तो ये है हमारी थाली। ये कड़ी पत्ता है क्या? अच्छा, असम इसमें ढेकिया सब बोलते हैं। हाँ ढेकिया, ठीक है। आलू का सब्जी है, ये दालमोटी का है, ये केला का सब्जी है, ये बैगन है, ये सलाद हो गया आपका, भिंडी का है, ये कोचू साग है, चटनी है, दाल है, खीर है, पापड़ फ्राई और कड़ी पत्ता फ्राई है। दाल, बैगन की सब्जी, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा कोचू, थोड़ा सा ये आलू फ्राई, और कुछ थोड़ा सा सैलेड। ये करके टेस्ट तो अच्छा है, बस इन थालियों में एक ही कमी लगती है, रोटी अगर दे देते तो और अच्छा लगता। और नॉर्थ ईस्ट में आपको उबला हुआ खाना ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे आपको मसालेदार खाना थोड़ा कम मिलता है। ये खीर ट्राई करेंगे, कुछ मीठा हो जाए। वाओ, खीर में ड्राई फ्रूट,